शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कश्तियां सब के किनारे पे पहुंच जाती हैं, ना खुदा जिनका नहीं उनका खुदा होता है। बंदों को ज्ञान दे ऐसा हम सच
सच्चे इंसान बने। ये हमारा सौभाग्य है कि 26 जनवरी के शुभ अवसर पर हमारे कॉलेज के इस फंक्शन में राजा सूरज सिंह, जो हमारे शिक्षा मंत्री भी हैं, हमारे बीच में मौजूद हैं। मैं कॉलेज की तरफ से इनका स्वागत करता हूं और इनसे गुजारिश करता हूं कि अपने मुबारक हाथों से इनामात तकसीम करें। मिस्टर कुंदन। भाइयों और बहनों, मास्टर दीनानाथ जी के होनार बेटे कुंदन, इन्होंने अपने बीए के इम्तिहान में सारे राज्य में टॉप करके इस कॉलेज का नाम रोशन किया है। मैं इन्हें ये सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट, ये पुरस्कार और अपनी तरफ से 1001 रुपया इनाम में देता हूं। भाइयों और बहनों, अगर बेटे ने पूरे स्टेट में टॉप किया है तो बाप क्यों पीछे रहे? आइए मास्टर दीनानाथ जी, तशरीफ लाइए। दोस्तों, मुझे ये सुनाते हुए फख्र हो रहा है कि मास्टर दीनानाथ जी की ये किताब दाता तेरे कई नाम और इसका तराना जो आज देश के कोने कोने में गाया जा रहा है और जिसे अभी आप लोगों ने भी सुना, भारत सरकार ने इस तराने को कौमी एकता का सबसे अच्छा तराना और किताब को साल की बेहतरीन किताब मानकर मास्टर दीनानाथ को ये मानपत्र और ये शॉल भेंट किया है। और अब मैं मास्टर दीनानाथ जी को उनकी सच्चाई, उनकी लगन और उनकी ईमानदारी के लिए ये कलम भेंट करता हूं। यह कलम हर उस इंसान के पास है जिसने ज्ञान की शिक्षा पाई है और कल ये तुम्हारे पास होगा। मगर बच्चों, याद रखो कि एक तलवार के वार से सिर्फ एक आदमी जख्मी होता है, मगर कलम से निकले हुए गलत शब्दों से लाखों लोग हलाक हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। तो इंसान की, मुल्क की, कौम की तकदीरें इस कलम से बनती भी हैं और बिगड़ती भी हैं। मेरे दोस्तों, कभी भी इस कलम का गलत इस्तेमाल न कीजिएगा। तू ही मन के मधुर मिलन में, तू सांसों के बंधन में, तू सांसों के बंधन में, तू सीता, तू सीता का राम कहे, तू राधा का घनश्याम दाता, दाता तेरे। शांति, ये ले मैना। भैया, आज तुमने मेरी तमन्ना पूरी कर दी। माँ, जब इस चिड़िया की शादी होगी ना तो दहेज में मैना जरूर दे देना, वरना ये रोती भैया। चोर 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 Thank you.
शहर की बीमारियां गांव में फैलाता है, गांव वालों की जेब काटता है। अरे ओए, तू इस गांव का ठेकेदार है क्या? हाँ, ये इस गांव की हिफाजत करने वाला ठेकेदार है कुंदन, और मैं इसका यार रमजान खान। कुंदन बेटे, इसे जाने नहीं देना, ये मेरे रुपए छीन कर भागा है। अगर ऐसी हरकत दोबारा इस गांव में की तो तुझे जान से मार डालूंगा। अरे फक, ये लो काका। अरे बेटा, तेरा लाख लाख धन्यवाद। ये क्या कर रहे हो आप? मेरे पिता समान हो। अरे यार कुंदन, मैं ठहरा पठान का बेटा, लड़ना मरना मेरे खून में शामिल है, मगर यार तू मास्टर का बेटा कलम के अलावा खतरा भी मोल ले सकता है, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। दोस्त, कलम के वक्त कलम, तलवार के वक्त तलवार, हर इंसान को उठाना चाहिए। वैसे आज हाथ से ही काम चल गया। चल। अरे तू उधर क्या देख रही है? तेरा बाप तो यहाँ खड़ा है। चल सीधी चल, चल। तेरा ध्यान किधर है? पंडित राम प्रसाद की लड़की कमला से इश्क फरमा रहे हैं। है? इश्क अगर फरमाओगे प्यारे, याद रहे पछताओगे प्यारे, जूता तुमसे शर्माएगा, इतने जूते खाओगे प्यारे। क्या बात है, जूतों के साथ साथ पंडित जी के खड़ावे भी जोरदार पड़ेंगे प्यारे। कुंदन, तुझे अपनी शायरी पे बहुत नाज है ना? कोई शक। तो कोई ऐसा शेर सुना कि उसकी खिड़की खुल जाए। अरे खिड़की तो क्या, मैं दरवाजा तक खुलवा दूंगा। आइए आइए, तशरीफ रखिए। क्यों, खुलवा दो खिड़की? खुलवाइए खुलवाइए। दौड़ पड़ती है अब भी नंगे पांव। क्या दौड़ेगी? अरे पढ़ू, दौड़ेगी तो पढ़ो ना। दौड़ पड़ती है अब भी नंगे पांव, सुनते ही दूर से मेरी आवाज। क्या बात कही उसने। हमारे यार कुंदन भाई, तुम तो नंगे पांव की बात कर रहे हो, वो तो जूता पहन कर भी नहीं आई। अरे यार कुंदन, तेरी शायरी की उड़ान में दम नहीं है। अरे यार कुंदन, ये ले पत्थर और अल्लाह का नाम लेकर मार, खिड़की खुद ब खुद खुल जाएगी। अरे जा भाई। निशाना ठीक लगाना, कहीं पड़ोसन की खिड़की ना खुल जाए। अब तो दीदार करा दे मेरी लैला मुझको, वरना पत्थर से ये मारेंगे मेरे यार मुझे। उल्टा भी मार सकते हैं। लगी तो नहीं। लाला, तुम्हारा मुनीम जबरदस्ती हमारे बैल खोलकर ले आया, ये भी कोई बात है? अरे चिंता क्यों करती हो चाची, अगर बैल बेचकर तुम्हारा ब्याज पूरा ना हुआ तो फिर तुम्हारे खेत की भी बारी आएगी। भगवान से डरो लाला, मेरा बेटा पुलिस में था, देशद्रोहियों ने उसे गोली मार दी,
अरे अगर उसे गोली मार दी तो तुम लोग मुझे क्यों गोली मार रहे हो? हा? ब्याज के पूरे पैसे दे जाओ और अपने बैल ले जाओ। लाला मेरे पास सिर्फ 230 रुपए हैं, मेरे बेटे की आखिरी कमाई, ये लो। 230 रुपए बैलों के चारे के लिए हैं। जब तक चारा रहेगा तब तक तेरे बैल नहीं बिकेंगे। लाला अगर हमारे बैल बिक गए तो हम खेती कैसे करेंगे? अरे बेटा तेरा बाप तो चला गया, अब तेरा दादा भी जाने की तैयारी में है, फिर खेती कौन करेगा? मैं करूँगा बड़ा होके। तो फिर बेटा बड़ा होकर लाला की रकम दे जाना और अपने बैल ले जाना। अब जाओ यहाँ से। अब शांति तू मटकी अपने सर पे रख। अरे नहीं भैया नहीं, अगर तुम्हारा निशाना चूक गया तो मैं कहानी जरूर हो जाऊंगी। क्यों तुझे अपने भैया पर भरोसा नहीं? चल जल्दी रख। वाह भैया वाह, तुमने होली से पहले मेरी होली कर डाली। अरे पगली ये तेरे भैया के प्यार की होली है, अब तो अपने सर पे पहले सेब रख बाद में अंगूर रख। अरे तुम पति पिताजी आप? जी हाँ मैं, इस सेब को अपने सर पे रख और फिर देख निशाना अपने बाप। एक मिनट पिताजी, एक मिनट पिताजी, पिताजी अपना चश्मा पहन लीजिए, कहीं निशाना चूक गया तो मैं जिंदगी भर के लिए सूरदास बन जाऊंगा। आप भी कमाल करते हैं, बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हैं। वाह आप भी खूब कह रही हैं, जब ये मेरे शेरों पे शेर कह सकता है तो मैं भी इसकी होली चला सकता हूँ। शेर? जी हाँ शेर। ये शेर तूने ही लिखे है ना? जी हाँ पिताजी, जैसे भी है आप ही की तालीम का नतीजा है। शाबाश, काम जारी रख, और अगर भगवान ने चाहा तो एक दिन तू इस देश का बहुत बड़ा शायर होगा। यह कलम मेरी सारी जिंदगी की तपस्या का इनाम है, मेरी पूंजी है। मैं चाहता हूं कि जो काम मैं अपनी उम्र में पूरा ना कर सकूं वो तू इस कलम से पूरा करे। गालिब और तुलसीदास का साथी था यह कलम, कुसरो कबीर नानक की वाणी था ये कलम। दाता के बाद सबका निगेबान है कलम, मेरी नजर में धर्म है ईमान है कलम। हे नाग देवता, तू सचमुच का नाग बनकर इन गांव वालों की बुद्धि को डस ले, उनकी अकल को चौपट कर दे, ताकि मेहनत वो करे और फल मैं खाऊं, वो भूखे मर मर के अपने सब कुछ मेरे पास गिरवी रखते रहे और मैं दौलत के सागर में तैरता रहूं, लखपति बन जाऊं, करोड़पति बन जाऊं, दौलत के मैदान में जितने भी पति है सबके सब बन जाऊं। जय हो नाग देवता, जय हो, जय हो। आए अरे उनका बेटिया सुबह सुबह कहाँ जा रही है? पापू जाते वक्तों का मत करो, काम बिगड़ जाता है। एक मिनट बेटा एक मिनट, ले जाने से पहले मुंह मीठा कर ले, सब काम सफल हो जाएंगे। जा। अरे अरे सोना रानी कहाँ चली भरी तू पिनिया में है? आ जाओ आ जाओ मेरी चुनरी में आ जा, वरना सोना पिघल जाएगा। अरे इस डिब्बे में क्या है जरा देखो तो सही। हाथ दूर रख अपने लाला, इसमें राधा चाची का खाना है। ओहो राधा देवी की भूख का बड़ा ख्याल रखती हो, आ
अरे जरा इस गरीब की प्यास का भी ख्याल रखा करो, जो तुझे देखते ही भड़क उठती है। तालाब में बहुत पानी भरा है लाला, जाके डुबकी लगा ले, सारी प्यास बुझ जाएगी। हाय हाय सोना रानी, अगर तू साथ दे तो चुल्लू भर पानी में भी डुबकी लगा लू। तो लगा ले डुबकी और डूब जा। आए। चुड़े, मर्दों की टांग में टांग फंसाते हुए तुझे शर्म नहीं आती? तेरी टांग में टांग फंसाने में क्या शर्म, ये टांग तो मेरी होने वाली है। अच्छा। हाँ, बस तैयार हो जा, शांति के विदा होते ही अलका तेरे घर पहुँचने वाली है। फिर मेरे पहुँचते ही तेरा इधर उधर मुंह मारना बंद, तेरे गले में रस्सी डालकर खूंटे से बांध कर रखूंगी तुझे। फिर खूंटे से बांध कर तू क्या करेगी? मेरे दिल में जो भी आएगा सब करूंगी, कुछ नहीं छोड़ूंगी। अरे बता तो दे, तेरे दिल में क्या क्या आएगा और तू क्या क्या करेगी? ये बातें अभी बताने की थोड़ी ही है, जब वक्त आएगा तब बता दूंगी। तो जल्दी बता दे, कहीं ऐसा ना हो कि दिल के अरमान कलेजे के खूंटे में लटक कर ना रह जाए। अरे कुंदन, अरे कुंदन, मुझे रोज सिंदूर का तिलक लगाती हो, क्या मैं एक दिन तुम्हारी मांग में सिंदूर नहीं भर सकता? नहीं, अभी वक्त है, इंतजार करो। ए, ए छोरी, इंतजार करते करते बचपन की गाड़ी जवानी के प्लेटफॉर्म पर आ पहुंची है, अब तो ये गाड़ी तुम्हारे बिना आगे नहीं बढ़ने वाली। अरे ऐसा बोलो कोई सुन लेगा। तो सुनने दो, कोई पाप कर रहा हूँ क्या? अरे भगवान के सामने कहते हुए नहीं डरता तो दुनिया से क्या डरना। और फिर बापू ने हरी झंडी दिखा दी है, उधर शांति विदा होकर अपने ससुराल जाएगी और इधर सोना जेवर की तरह सच धज कर बहू बनकर हमारे घर आएगी। जल गया।
और जो भी साला 15 तारीख तक ब्याज ना दे सबके बैल नीलाम करा दो। जी कुल मिलाकर कितने बैल हुए? सब मिलाकर 51 हो गए जी। लाला तुम यहाँ गाय बैलों की गिनती करते रहना, वहाँ मास्टर का बेटा उस गवैये की छोरी के साथ कार की पेंगे चटाचट ले रहा है, नैनो तक पहुँच गया है। अरे घबराओ मत पंडित जी, अगर भगवान एक है तो लाला नागराज भी एक ही है, 99 तक पहुँचाना वो लौटा, जिंदगी भर एक नहीं लगा सकेगा। हाँ और फिर मास्टर के सारे खानदान की तकदीर मेरी तिजोरी में सो रही है, जब तक मैं नहीं जगाऊंगा तब तक नहीं जागेगी साली। हाँ, क्यों क्या समझे? समझ गया लाला, समझ गया। क्या जरा देखी हर किसी छोड़ना साले को, स्कूल के बच्चों को ब्राउन शुगर बेचता है, बच्चे मारो आराम साले को, और तब तक मारते रहना जब तक अपने मालिक का असली नाम और पता नहीं बताता, मारो सुअर के बच्चे को। शेरू शेरू, अबे ओ घोचू कहाँ गया तू? आपकी तारीफ? तारीफ? अरे मैं तारीफ उस खुदा की जिसने जहाँ बनाया, घोड़ा मुझे बनाया और गेंडा उसे बनाया। तीनों मेरे दोस्त, आए मेरे यार, आ ही गया मेरे दोस्त। मेरे दोस्त, मेरे दोस्त। ले ये ले तेरा कप। अच्छा तू ले आया, वरना मैं पुलिस के कुत्ते तेरे पीछे छोड़ देता। मैं ईमानदार आदमी हूँ, मेरे 6 महीने पूरे हो गए, अब तेरी बारी है। द थ्री लेगेड चैंपियन। आदाब चाची जान। अरे सुरैया बेटी जी, जीरो चाची जान, भाई जान और शांति कैसे? बिल्कुल ठीक है बेटी, और तुम दोनों को हमेशा याद करते रहते, और कुंदन ने तुम्हारे लिए ये फोटो खींचा। चल रमजान जल्दी। अरे वाह, अल्लाह हमारे भाईजान को हमेशा सलामत रखे। चाची जान मैं आपके लिए नाश्ता लगाती हूँ, आप मुँह हाथ धो लीजिए। अच्छा बेटी, मगर चटपटा होना चाहिए। आपकी तारीफ? अबे यार तुम्हें देखकर मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। आप हैं राउ, आधा वर्दी तुम देख रहे हो, ये मेरे होने वाले दामाद सुरैया के। अच्छा, अच्छा। और इसी बात पे मैं भी तुझे एक खुशखबरी सुनाता हूँ, मैंने भी शांति की शादी तय कर ली। वो मेरे यार, मुबारक हो, मुबारक हो। सुभान अल्लाह। अरे हुजूर, आप और यहाँ? जी आज तो मैं आपको गिरफ्तार करने के लिए आया हूँ। मेरी गिरफ्तारी के वारंट पे आपने अब्बा हुजूर के दस्तखत ले लिए हैं? कम वक्त, यही तो मुश्किल है। एक तो मेरे बड़े अफसर, दूसरे आप उनकी इकलौती बेटी, और तीसरे मेरे होने वाले ससुर। अब्बा जान। अरे सुन, माना कि लड़के वाले जहेज के नाम पर तुझसे एक छल्ला भी नहीं लेना चाहते, मगर कहने और करने में बहुत फर्क होता है मेरे दोस्त। बैठ बैठ बैठ, तू बात चीज में बहुत भोला है दिनू। अब तू मेरी तरफ देख, सुरैया की शादी तय करने से पहले मैंने राव के पूरे खानदान का शजरा निकाल लिया। अच्छा, तू मुझे उन लोगों का नाम और पता दे दे, मैं उन सबकी जन्म पत्री निकाल कर तेरे हाथ में दे दूंगा। यार शेरू, तुझ में सिर्फ एक खामी है, तू हर शख्स को चोर डाकू समझता, आखिर रहा ना तू पुलिस वाला। अमर पुलिस वाला तो मैं हूँ, इसमें शक की क्या बात है? ये लीजिए गरम गरम। वाह, तुमने तो नाश्ते के लिए कहा था, ये तो दावत ताशपन निकली। खा खा। शाम को मैं आपके लिए मेथी के पराठे बनाऊंगी। बढ़िया, बढ़िया। बिटिया ये ना करना, क्योंकि तुम्हारी चची जान शादी की खबर सुनने के लिए बेचैन होंगी, और मैं चाहता हूँ कि अबे जाने का नाम लिया तो गर्दन तोड़ दूंगा साले, अब के आप ईद यहाँ करके जाएंगे। ठीक है बाबा, ठीक है, दिवाली भी सर पे है, अगर ईद पहले हुई तो यहाँ मना लेंगे, और अगर दिवाली पहले हुई तो गाँव चलकर साथ साथ मना लेंगे। तो मंजूर है? मंजूर है मेरे दोस्त। भगवान को पसंद है, अल्लाह को है प्यारी, ये तेरी मेरी यारी, ये दोस्ती हमारी, ये तेरी मेरी यारी, ये दोस्ती हमारी, भगवान को पसंद है।
अल्लाह को है प्यारी, ये तेरी मेरी यारी। दिवाली के दियों में प्यार हमारा जगमगाए, यारों की यारी की ये शम्मा बुझे न किसी के बुझाए। रोशन दिवाली के दियों में प्यार हमारा जगमगाए, के बुझाए। हाँ तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, जन्मों का प्यार है, दिल का फरार है, पर यार तेरा प्यार ही है जिंदगी हमारी। दे ताली तेरी मेरी यारी, ये दोस्ती हमारी, ये तेरी मेरी यारी, ये दोस्ती हमारी, भगवान को पसंद है, अल्लाह को है प्यारी, ये तेरी मेरी यारी। चिंता क्यों करती हो जमुना चाची, लाश को जल समाधि दे दे। क्या नहीं समझी? अरे उसे उठाकर नदी में फेंक दे। हाँ, तेरे लकड़ी के पैसे भी बच जाएंगे और नदी के मछली कछुओं का पेट भी भर जाएगा, इसका तुझे पुण्य भी मिलेगा। ठीक है लाला, ठीक है, भगवान तेरे कर्मों की सजा इसी दुनिया में देंगे, याद रखना मेरी जुबान को, याद रखना। चल दादी चल। मास्टर जी आइए आइए आइए, मास्टर जी आइए, आप फिक्र मत कीजिए मास्टर जी, शक्कर घी तेल सब चीजों से गोदाम भरे पड़े हैं, पधारिए। मगर ब्लैक से खरीदना मेरे बस की बात नहीं है।
ओहो, फिर वही बात। कितनी बार कह चुका हूँ आपको मास्टर जी कि आपके और मेरे दो घर नहीं हैं। शांति बिटिया की शादी की पूरी जिम्मेदारी मुझ पर है, और फिर मेरा दामाद बन जाने के बाद कुंदनी को तो ये सारा कारोबार संभालना है। देखिए लाला जी, आप किसी गलत फहमी में न रहिएगा। मैं कुंदन की शादी पंडित द्वारका प्रसाद की बेटी सोना के साथ तय कर चुका हूँ। जी 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 जी, क्यों आप अपना बुढ़ापा और कुंदन की जिंदगी बर्बाद करने पर तुले हुए हैं? उस बेकारी गवैये से दहेज में सवाए सितार के और कुछ नहीं मिलने वाला है। हाँ, सोच लीजिए। मुझे तो वो भी नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ उनकी बेटी चाहिए, सोना, जो कि देवी है। अंजाम क्या होगा, सोच लिया? लाला जी, मेरी जिंदगी की पूंजी मेरे उसूर है, मैं जबान दे चुका हूँ। अरे मास्टर जी, आप चमड़े की छोटी सी जबान की बात कर रहे हैं? लोग दौलत के लिए तो अपना ईमान तक बेच देते हैं, आप इनकार कर दीजिए। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ लाला, मेरे उसूर मेरा ईमान, न मेरा ईमान बिक सकता है और न ही मेरे बेटे को कोई खरीद सकता है। तो ठीक है मास्टर, अपनी ईमानदारी की लालटन को लेकर गली गली के चक्कर काटो, लेकिन एक बात याद रखो, जब तक इस लालटेन में लाला नागराज के घर का मिट्टी का तेल नहीं पड़ेगा, तब तक उसमें रोशनी नहीं आएगी। अरे बाप रे, लाला जी पुलिस! बापू, वो मिट्टी के तेल की पिछली दुकान है ना, पुलिस ने वहाँ छापा मार दिया। लाला! इंस्पेक्टर साहब, आइए इंस्पेक्टर साहब, आइए आइए आइए। लाला, तुम्हारी दुकान में साहब कुछ मालूम है। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, एक मिनट। आपके कितने बच्चे हैं? मतलब कुछ नहीं है, उनकी मिठाई के लिए। ओ, काला बाजारी भी करते हो और रिश्वत भी देते हो। मैं सब समझता हूँ। गली गली में शोर है, गली गली में शोर है, गली गली में शोर है, गली गली में शोर है। थैंक यू वेरी मच मिस्टर कुंदन। अगर आप जैसा हर नौजवान अपना फर्ज महसूस करने लगे तो इस देश से काला बाजार ही खत्म हो जाए। नहीं इंस्पेक्टर साहब, जिस दिन नाग चाचा जैसे लोग नोटों का चश्मा उतार कर गरीबों को दिल की नजरों से देखेंगे, उस दिन इस देश के घर घर में खुशियों के दिए जलने लगे। थैंक यू। कौन? शेरू। अरे प्यारे दिनू, बोल भाई, शादी का कार्ड मिला तुझे? अरे मिला नहीं, बल्कि मेरे हाथ में, और सबसे पहले तू मेरी मुबारकबाद कबूल कर। अब एक बात मेरी गौर से सुन तू है, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब सूखे के इलाकों के दौरे पर हमारे यहाँ तशरीफ ला रहे हैं, और कमबख्त इन सारी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी मेरे ही हाथों में है। अब शादी के दिनों में मेरा वहाँ आना बिल्कुल नामुमकिन है। तो फिर शादी कैंसिल कर दूंगा। अमा क्या पागलपन जैसी बातें करता है तू, है? मुर्गा बांग नहीं देगा तो क्या सुबह नहीं होगी? तू बात नहीं आएगा। ए दीनू, ए प्यारे प्यारे, तुझे मेरी जान की कसम है, मुझे गलत मत समझना है। अच्छा दीनू, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बापू बापू बापू, तुम्हारी जमानत हो गई। शाबाश बेटिया, शाबाश। चले दरवाजा खोल, अबे जल्दी कर। राम राम। नमस्ते सेठ जी। धन्यवाद। आप तो जानते ही वकील साहब कि साहूकारों से सारी दुनिया जलती है। अच्छा जी, अच्छा जी, मैं चलता हूँ। सरकार सरकार, शादी का कार्ड। अरे किसकी शादी है? दीनानाथ की छोकरी की शादी गोपालदास के छोकरे के साथ। अच्छा, जय नाग देवता। अरे क्या कह रहा है नागी? हाँ गोपू, हाँ। और आगे सुन, इसी मास्टर के छोकरे ने मुझे हथकड़ियाँ लगवा दी, और इसी लड़के के साथ मैं अपनी बेटी की शादी करके इसे लाखों का दहेज देने वाला था। रेफ्रिजरेटर, टेलीविजन, स्कूटर, सब कुछ लाकर रखा हुआ। लाखों का दहेज? हाँ। रेफ्रिजरेटर? हाँ। टीवी? हाँ। स्कूटर? हाँ। अच्छा नागी, एक बात बता, चांद और सूरज दुनिया में कोई पैदा कर सका है? नहीं कर सका। मैंने पैदा किए हैं, मैंने। इधर देख।
लाला जी नमस्ते। ये मेरे दो बेटे हैं, जसवंत और नटवर। वाह 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 वाह, भगवान इन्हें बुरी नजर से बचाए। जियो बेटो, जियो जियो। बापू जरा इधर आओ। मैं अभी एक मिनट में आया। लगे क्या है बापू? लगता है ये लल्लू लाला तुम्हारी शहरी जिंदगी के बारे में कुछ नहीं जानता। ऊपर से साला लखपति है और नीचे से गलौती बेटी का बापी। बापू लाला बहुत गर्मी में है, हर जाने ना पाए। अरे बेटो, गोपाल दास की छत्र छाया में जो एक बार आ गया वो फिर वापस नहीं जा सकता। कुछ दिन का ठिकाना है बाबुल का ये घर गोरी, कुछ दिन का ठिकाना है। बन के दुल्हन एक दिन तुझे दिया घर जाना है। रो के भुलाना है।
बचपन की हम सबको रुलाएंगी, याद तेरे बचपन की हम सबको रुलाएंगी, फिर भी तेरी टोली को कांधा तो लगाना है, बहना तेरी टोली को कांधा तो लगाना है। बाबुल का ये घर कोई कुछ दिन का ठिकाना है, मस्तु शुभ मुहूर्तम मस्तु। मास्टर जी कन्या को बुलाइए, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुध्वज मंगलम पुण्य। ठहरो ठहरो ठहरो, पंडित जी मंत्र मंत्र बंद कीजिए थोड़ी देर के लिए। दीनानाथ जी पहले लेन देन की बात क्लियर कर ले। हाँ जी बापू, मेरे स्कूटर की बात भी कर लेना। स्कूटर लेन देन ये सब क्या है? आपने तो जहेज लेने वालों और देने वालों दोनों की बुराई की थी और ये आज आप। अरे तो हम कहाँ आगरे का ताजमहल और दिल्ली का लाल किला मांग रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि बंद मुट्ठी खोल दीजिए दीनानाथ जी। भाई जो मैं कह चुका हूँ वो आपके सामने है, 11 जोड़े कपड़े 11,100 और 100 रुपए नकद, और जो सोने के जेवरात मेरी बेटी पहने हुए वो देखे तो जरा ये जेवरात। दीनानाथ जी हम तो समझे थे कि आप ऐसे स्कूल के मास्टर हैं जहां बच्चों को अच्छी तालीम और शिक्षा दी जाती है, लेकिन आप तो झूठ बोलने और फरेब देने के हेडमास्टर निकले। गोपाल नाथ जी जबान संभाल कर बात कीजिए। रमजान मियां, भाई साहब आप किसकी बात कर रहे हैं? दीनानाथ जी एक ईमानदार इंसान है, हमारे गांव के लोग इनकी ईमानदारी की कसमें खाते हैं, ये फरिश्ता है फरिश्ता। लगता है आपको किसी ने बहका दिया है, वरना दीनानाथ जी के लिए ऐसी बात कहना तो दूर की बात है, सोचना भी बात है। बेटे कुंदन जाओ मदनलाल सुनार को ले आओ। माफ कीजिए गोपाल दास जी, आप साफ साफ बताइए कि मुझसे क्या भूल। दीनानाथ जी जिस तरह से आपने अपने चेहरे पर शराफत और भोलेपन का पानी चढ़ा रखा है, उसी तरह इन नकली जेवरों पर सोने का पानी चढ़ाकर आप मेरे हवाले करना चाहते हैं? ये आप क्या कह रहे हैं, ये जेवरात असली सोने नागराज जी के यहाँ गिरवी रखे थे, आप पूछ लीजिए ना उनसे। अरे मास्टर जी जो जेवरात आपने मेरे पास गिरवी रखे थे वो मैंने बड़ी हिफाजत के साथ अपनी तिजोरी में रखे थे, उसके बाद आपको आपकी चीजें वापस लौटा दी थी। अब ये जेवरात सोने के हैं चांदी के हैं या पीतल के हैं या आप जाने, मुझ गरीब को क्यों इन कांटों में घसीट रहे हैं आप? असली और नकली जेवरात का फैसला फेरों से पहले होगा दीनानाथ जी। जी हाँ भाई साहब बिल्कुल होगा। लीजिए मदनलाल जी आ गए। आइए मदनलाल जी। राम राम मास्टर जी। मदनलाल जी जरा देखिए तो सही कि इस सोने की चूड़ी में क्या खोट है। देख लिया आप सबने, गरीब होना कोई पाप नहीं मास्टर जी, लेकिन सच्चाई और ईमानदारी का ढोंग रचाकर धोखा फरेब और विश्वासघात करना दुनिया का सबसे बड़ा पाप और कमीनापन है। तो बेटा ये शादी नहीं होगी,
भाई साहब रुक जाइए, हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। आजकल के नौजवान अपने आप पर भरोसा रखते हैं, दहेज को बुरा समझते हैं। मेरी बहन लक्ष्मी समान है, जिस घर में जाएगी स्वर्ग बना देगी। ओ भाई साहब, अपने लक्ष्मी अपने घर में रखो, हमें तो लौटने वाली लक्ष्मी चाहिए। भाई साहब वो भी देंगे, आपकी हर मांग पूरी करेंगे। हर मांग पूरी करेंगे, गारंटी क्या है? गारंटी ये कलम, ये कलम मेरे पिताजी को उनकी ईमानदारी और सच्चाई के लिए स्कूल में इनाम में मिला था। ये मैं आपके पास गिरवी रखता हूँ, आपकी सारी मांगे पूरी हो जाने के बाद मैं ये कलम छुड़वा लूंगा। रखिए। अरे वाह, बेटा तो बाप से भी दो जूते आगे निकला। ये तो पूरा खानदान ही नीच और जलील लोगों का है। ऐसे कलम तो फुटपाथ पर कौड़ियों के भाव बिकते हैं मिस्टर। चलो मिया, मैं झूठा हूं भला? द्वारका नानी, मैं झूठा तो नहीं? नहीं, नहीं। तारे गांव के सामने मुझे दलील और झूठा बना दिया। बस जी, बस जी, मेरा सारा ईमान छूट गया। नहीं नहीं, मेरी छोटी सी बच्ची। मास्टर जी, मास्टर जी, मास्टर जी, दोस्ती की लाज रख ली तूने? क्या चाल चली है यार, बिल्कुल वैसे ही पीतल के गहने बनवा कर उन पर सोने का पानी चढ़वा दिया। के कारण दुनिया वालों ने तेरी बेटी को मार डाला, तुझे झूठा बना दिया।
इस पापी संसार को तेरे इस कलम की जरूरत नहीं। एक ऐसे कलम की जरूरत है जो स्याही से नहीं खून से लिखता हो। अलका मेरी इकलौती बेटी है, मुझे जान से ज्यादा प्यारी है। और फिर तूने जो कुछ भी मांगा था मैंने तुझे दिया है, अब उसका ख्याल रखना। अरे नागी, तेरी बेटी अब मेरी बहू है, तू फिक्र मत कर। आ बेटा। नमस्ते जी। ये रास्ता किसने रोका है? तुम्हारे हाथ में आग की लकड़ी कैसी है? यह शादी के हवन की लकड़ी नहीं है गोपाल, यह इस बात की निशानी है कि मैंने इसे क्या क्या जलाया है। और अब यह हमेशा मेरे साथ रहेगी। रहने दो, उससे हमें क्या फर्क पड़ता है? मेरा बापू तुमसे सौदा नहीं कर सका गोपाल दास, मगर मैं तुमसे सौदा करूंगा। कैसा सौदा? तुम्हारा हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है। नहीं गोपाल दास, रिश्ता खत्म नहीं हो, रिश्ता तो अब शुरू होगा। कुंदन, ये क्या मजाक है बेटे, कुछ तो सोचो। ये सब क्या है लाला? ये दहेज है अलका बिटिया के लिए। सारा सामान उतारो। मैंने कहा ना सारा सामान उतारो। उतारो, कुछ पर बेटे को दिखा दे। ऐसा दूसरा जा संभाल के बड़ा। तुझे स्कूटर चाहिए था ना? मुझे बहुत पसंद है, इसीलिए तुमसे फरमाइश की थी। आजा। चल इसमें बैठ जा। तूने शादी की दौलत से, दहेज से, लेकिन इनके फेरे नहीं लिए। फेरे? अरे फेरे लगा लो बेटे, जल्दी से लगा लो, कोई नई रस्म होगी जो कुंदन बेटा देखना चाहता है। चल जल्दी से सात फेरे लगा। चल एक। शाबाश बेटे। तो मौके की नजाकत समझ, उसके हाथ में बंदूक है। सात फेरे हो गए। हो गए, मुबारक हो। गांव वालों, गांव के नाते लाला के दामाद को हमें भी कुछ देना है, और वो चीज मैं आप लोगों के सामने दूंगा। चल जा। मेरे दामाद को मार डाला। अरे पकड़ो, पकड़ो।
क्या हुआ तुझे? बापू मुझे ठीक तो है ना? मुझे गोली भैया, मुझे क्या हुआ? मुझे क्या हुआ? नहीं क्या हुआ भैया? नहीं जसवंत, मैं भवानी माँ के चरणों में खड़ा होकर सौगंध खाता हूँ, जो कहानी आज मैंने अपने खून से लिखना शुरू की है वो उस पापी के खून पर अंत हो। हे गोपू, हे गोपू, मेरे दुख पर तू ही दूर कर सकता है। मेरी बेटी तो सिर्फ फेरों की गुनहगार है, लेकिन अब उससे कोई शादी नहीं करेगा। मेरी इज्जत बचा ले मेरे दोस्त, मेरी इज्जत बचा ले। कैसे? ये तेरा दूसरा बेटा है ना, नटवरलाल। क्या कहा? अरे नागी, तू तो सचमुच का नाग है। मेरे एक बेटे को तो डस लिया, अब दूसरे पर दांत तेज किए बैठा है। हाँ बापू, देखो बापू, मैं तुझे 1,00,000 रुपया दूंगा, और वो भी नकद। कितनी उंगलियां है? चार। और ये क्या है? ये अंगूठा है। अरे जिंदगी भर लोगों से अंगूठे लगवाता रहा, और अब उसी अंगूठे से भाग रहा है। अंगूठा मिलाकर 5 हुए ना गोपू? 5,00,000? ऐसा मत कर गोपू, मैं तो बिल्कुल कंगाल हो जाऊंगा मेरे यार। तू कंगाल हो जाए या बंगाल, मैं बेईमानी का धंधा इतनी ईमानदारी से करता हूँ कि लोग मेरी बेईमानी पर ईमान लाते हैं। 5,00,000 रुपया नकद देता है तो ये शादी हो सकती है। क्यों नटवर बेटे? शादी? बापू, मैं इस बलूत लड़की से शादी नहीं करूंगा। क्या बात करता है बेटे? तू होशियार बेटा होकर बुजदिली की बात करता है? अरे औरत तो पांव की जूती होती है, पसंद नहीं आए तो निकाल कर फेंक देना और दूसरी कोई ले आना। सच बापू? हाँ, तो मैं फिर तैयार हूँ, जल्दी लाला। गरम खून है ना, जोश में आ गया था, समझा कर ठंडा कर दिया है। लाला पहले नोट गिनने की तैयारी करो, पूरे 5,00,000। 5। हमारे स्क्वायरी से लाल पत्थर निकलता है, इससे संगमरमर निकलता है। आइए। नेट? हाँ बेटा नेट। अरे आइए ना। आइए आइए आइए। वाह वाह वाह, बहुत खूब राजा साहब, आपकी जमीन और आपकी क्वेरीज हमें बहुत पसंद आई। मगर कीमत 1 करोड़ से कम नहीं होगी जनाब। मंजूर है, तशरीफ रखिए। धन्यवाद। थैंक यू सर। बेटा नेट। यस डैड। गिव मी द बैग। हियर डैड। राजा साहब, ये रहे 5,00,000 रुपए पेशगी के, बाकी 95,00,000 कागजात पूरे होने पर मिल जाएंगे। ओके। बेटा नेट। यस डैड। लुक एट दैट। हाय पापा। हेलो डार्लिंग। पापा। हेलो। ये मेरी इकलौती और बेहद लाडली बेटी सीमा। हेलो। हाय। हाय। और ये मेरा इकलौता बेटा नटवर है, प्यार से नेट। अच्छा पापा, हम चलते हैं। अरे ठहरो बेटी, हम साथ ही चलेंगे। ओके। अच्छा हुजूर, अब इजाजत दीजिए। अच्छा राजा साहब, नमस्कार। बाय सीमा। बाय बेटी। बापू, 5,00,000 रुपए तो तुमने दे दिए, 95,00,000 कहाँ से लाओगे? अब तो तुम्हारा दूसरा और कोई बेटा भी नहीं है जो तुम्हारे लिए दहेज लाएगा। अरे बेटा,
मैं तेरा बाप हूँ, बस देखता जा, अपने पुराने धंधे का एक जोरदार झटका और देना होगा। आओ भाई पंडित सेठ, आओ आओ, क्या हाल है? अंदर आओ। जी, अरे भाई धनी राम, एक बात तो बता, ये दो नए चेहरे कौन है? ये मेरे पुराने कैरियर है, बड़े भरोसे के आदमी है। काम की बात कर, मेरा माल लाया है ना? हाँ हाँ भाई, अफीम, गांजा, चरस, ब्राउन शुगर सब कुछ लेकर आया हूँ, लेकिन पेमेंट रोकड़ा लूंगा, माल गाड़ी में रखा है। अरे भाई, आजकल इंटरनेशनल मार्केट बहुत टाइट है। ले भाई, किल ले। तुम लोग जा कैसे? गिनने की तकलीफ क्यों कर रहे हैं? हम मर गए हैं क्या? ठहर जा बाबा, ठहर जा। ये क्या तुझे? आगे से हट। इतने सारे नोट। इस गाड़ी को खड्ड में फेंक देना, पुलिस के हाथ ना लगे, समझे? सब समझ गए साहब, इस गाड़ी का अब नामो निशान भी नहीं मिलेगा। शाबाश, जा। नमक, कॉफी इस सूटकेस में? अरे रे बनिए की औलाद, ये कॉफी और नमक नहीं है, जानती है? ये एक एक पैकेट एक एक लाख रुपए का है। हाँ? फिर तो हम नए बड़े मकान में जाएंगे, रोज नहीं ना। चुप, फिर बोल, वरना जबान खींच के कोठी में डाल दूंगा। क्या? बहू, तू इसकी बात का बुरा मत मान, तू तो लक्ष्मी है, जब से तेरे पांव इस घर में आए हैं लक्ष्मी ही लक्ष्मी आ गई है। जा जाकर खाने का कुछ इंतजाम कर। बेटा, ये वो माल है जो इंग्लिस्तान, तुर्किस्तान, अफगानिस्तान, हिंदुस्तान और दुनिया के हर स्थान में चलता है। अब तेरा बाप गोपाल दास बनकर नहीं, जीडी सारंग बनकर जिएगा, नेशनल से इंटरनेशनल हो जाएगा। सर, जले हुए मलबे से ये ब्रासलेट मिला है। माँ, 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 चल मैं तुझे लेने आया। हाँ बेटा, मैं दुनिया के ताने सुनते सुनते और मुझे छिपाते छिपाते थक गई हूँ। अब मैं तुझे यहाँ एक पल भी रहने नहीं दूंगा, चल मेरे साथ, चल। मगर ये तो तूने बताया ही नहीं कि मेरी चिता किस जगह बनाई है। माँ, मेरे पिता और मेरी बहन की चिताएं दुनिया वालों ने बनाई थी और आग मैंने दी थी। माँ, अब इन जालिम दुनिया वालों की चिताएं मैं बनाऊंगा और उनके घर वाले आग देंगे। मेरे ख्वाब और तेरे पिता के सपने क्या यही थे जो तू आज इस रूप में दिखाई दे रहा है? कफन दिया जाता है माँ, पहना नहीं जाता। दुनिया वालों ने जो मुझे दिया है
उसे इसी रूप में लौटा रहा हूँ। अपने बाप के आदर्श, उनकी सच्चाई और ईमानदारी का जवाब यही है। क्या पाया पिताजी ने? अपनी सच्चाई और ईमानदारी से पिताजी ने क्या पाया? ये खासतौर पर ढेर, अगर तू इन्हें बेचेगी ना तो 2 रुपया किलो रद्दी के भाव भी कोई नहीं खरीदेगा। कुंदन। हाँ माँ, पिताजी के आदर्श, देशभक्ति, ये पुस्तकें जिनके एक एक लफ्ज में उनका खून शामिल है, इसकी कीमत उन झूठी कहानियों के सिवा कुछ नहीं जो एक माँ बच्चे को सुनाने के लिए सुनाती है और सुबह होते ही बच्चा उसे भूल जाए। दुनिया भूल जाए इसकी मुझे कोई परवाह नहीं, मगर एक बेटा अपने बाप के उसूल, उनकी शराफत और इंसानियत को इस तरह से कुचलेगा, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। माँ, जिस दिन तेरा बाप मरा था उस दिन मैं विधवा हुई थी, मगर आज आज तूने मुझे बेसहारा कर दिया। तुझे चाहिए क्या माँ? अगर अपनी माँ को पाना है तो तुझे ये रास्ता छोड़ना होगा। रुकिए, आइए चाहिए टापू कुंदन का घर, आइए। कुंदन, पुलिस आ गई, जल्दी निकल चलो। अंदर है वो डाकू कुंदन का बच्चा। कहाँ? बोलो, वो कुंदन जा रहा है। लाला, लाला ये किस जन्म का बदला ले रहा है हमसे? सब कुछ तो बर्बाद हो चुका है, अब मेरे बुढ़ापे का आखिरी सारा मेरा बेटा बचा। अरे वो भी नहीं बचेगा। ममता का मारा बेटा बार बार अपनी माँ से मिलने के लिए आएगा, लेकिन आकर फिर वापस नहीं जाएगा। पुलिस की गोली या फांसी का फंदा उसका काम तमाम कर देगा। कुंदन की माँ, तुम्हारा बेटा जिंदा नहीं बचेगा, जिंदा नहीं बच सकता बखूनी डाकू। बेटे, कुंदन दुनिया और कानून की नजरों में एक मुजरिम है, लेकिन मेरी नजर में ये एक नेक इंसान है। आज मैं तेरा हाथ। अरे दरवाजा खोलो, मैं पुलिस को लेकर आया हूँ, अपने दामाद के कानों को पकड़वाने के लिए आया हूँ। नहीं कुंदन, नहीं। अरे खोलो दरवाजा, निकालो बदमाश, छूटने से बाहर। मैं कहता हूँ दरवाजा खोलो। पुलिस आ गई, अब तू भाग जा यहाँ से, भगवान के लिए तू भाग जा यहाँ से, जा जल्दी जा बेटे, जा। खोलो दरवाजा, दरवाजा खोलो वरना दरवाजा तोड़ डालेंगे। रमजान, इस पापी गांव में सोना की जिम्मेदारी तुझ पर सौंप कर जा रहा हूँ, ख्याल रखना। कुंदन तू जा, सोना की हिफाजत रमजान करेगा। जा कुंदन। और कुंदन का वो नया सूट पैक कर दिया? हाँ जी, इसमें पैक कर दिया। और वो छप्पन भोग जो मैं लाया था ना, वो पैक कर दी। बजन सब रख दूंगी। अरे शांति के जेवर, ये अरे रख दूंगी। और भाभी के लिए गणेश। अब्बा जान, सारा घर अपने सर पर उठा रखा है। ये घड़ी ये लीजिए अब्बा, पढ़िए। और ये घड़ी अपने पास रखिए जेब में। बहुत नाराज साहब, चाचिया ये चिट्ठी दे गया। किसकी चिट्ठी है बेटी? राधा चाची की। ओ, साला दिन लगता है अभी तक नाराज है, कुछ चिट्ठी भी नहीं लिखता है। देखो जैसे क्या लिखवाता है वो भाभी से। भाई साहब आदाब, लड़के वालों ने बहुत बड़े दहेज की मांग की, बारात वापस लौट गई, ये सदमा आपके दोस्त बर्दाश्त नहीं कर सके और उनका हार्ट फेल हो गया। कुंदन दूल्हा का खून करके फरार हो गया, शांति ने आत्महत्या कर ली। मैं भी कहीं छोड़कर जा रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ मैं भी नहीं जानती। आपकी बदनसीब भाभी राधा। अरे मूर्ख, टोकरी को अनाज की बोरी की तरह फेंकते हो। अरे बेवकूफ, ये तो एक खूबसूरत फूल है। Thank you.
जानूंगा, मार जाऊंगा तुझे, मार जाऊंगा। सुल्तान भैया, सोना, भाग सोना, भाग सोना, छोड़ दे इस साले को। भाग मत रानी। कमीने जलील कुत्ते, आज मैं तुझे सारे गांव के सामने नंगा कर दूंगा। नहीं, नहीं बेटा, मुझे माफ कर दे, तुझे तेरे बाप बल्कि चाचा की कसम, मुझे माफ कर दे बेटे, मैं शराब के नशे में पागल हो गया था। एक भूल तो भगवान भी माफ कर देता, तेरा खुदा भी माफ कर देता होगा। मुझे माफ कर दे बेटे, मुझे माफ कर दे। भैया वहाँ वक्त पर ना आते तो तुम्हारी बेटी की इज्जत लुट गई होती। बापू बेटी, मैंने तुझसे पहले ही कहा था, शैतानों की इस बस्ती में ये बूढ़ा भाप तेरी रक्षा नहीं कर सकता। अब हमारे पास एक ही रास्ता है बेटा, ये गांव छोड़कर कहीं चले जाओ। मैं अभी लेकर आती हूँ पानी। द्वारका प्रसाद जी, आप? मैंने आपके भजन काशी में बहुत सुने हैं। कौन हो बहन? मैं रतन बाई हूँ, संगीत से मेरा गहरा ताल्लुक है। हाँ जी, आपके मुंह से खून? हाँ बहन, मेरा एक फेफड़ा खराब हो चुका है, लेकिन ये बात मैंने अपनी बेटी को भी नहीं बताई, क्योंकि मेरे पास इलाज के लिए पैसे भी नहीं है। बापू, बापू। सोना का ये टूटा हुआ कंगन और तेरी खामोशी कह रही है तू मुझसे कुछ छुपा रहा है। रमजान, तुझे दोस्त समझकर अपनी अमानत तेरी हिफाजत में दी थी, कहां है वो रमजान? तुझे तेरी मां की कसम, बाप की सौगंध, बोल रमजान बोल। तुझे तेरे अल्लाह की कसम, कुरान शरीफ की कसम बोल। बस कर कुंदन, बस कर। तूने आज इतनी बड़ी कसम दे दी जिसके सामने दुनिया के तमाम रिश्तों की कसमें मामूली बनकर रह गईं, टूट गईं। एक शैतान ने मुझे मेरे बाप की कसम दी थी, इसलिए खामोश रहा, मगर अल्लाह और कुरान के लिए दुनिया के तमाम रिश्तों को कुर्बान कर सकता हूं। रमजान, ये खून कैसा? जब खून बहता है तभी तो दोस्ती में रंग आता है मेरे दोस्त। उस बदमाश के गुंडे सोना को उठाकर ले गए थे, मगर मैंने वादा किया था कि अपना खून बहा दूंगा, मगर सोना के दामन को दागदार नहीं होने दूंगा। ये देख, उसी दोस्ती की चंद मोहरें
जो तेरी अमानत को बचाने में खाई थी। मुझे माफ कर दे दोस्त, मुझे माफ कर दे, माफ कर दे। नहीं कुंदन, अपने नाम की तरह तू खुद भी कितना महान है, मगर ये तो बता भाई, वो लोग गए कहां? कुंदन, ये तो मैं भी नहीं जानता। इस पापी गांव में उनकी इज्जत महफूज नहीं थी, इसलिए लगता है वो गांव छोड़कर चले गए। कौन है वो पापी जिसने सोना के साथ ये हरकत की? तू सुनना चाहता है तो सुन। इस गांव में सबसे ज्यादा नीच, कमीना, जलील और बदकार एक ही कुत्ता है। जी भर के रंग खेलो, सारे गांव को होली के रंग से रंग दो, नाचो गाओ होली मनाओ, होली है, होली है, होली है। चकारे मारे भिज गए सारे, मैं होए शरम से लाल के रंग गई चोली रे, हाय होए शरम से लाल के रंग गई चोली रे। मुबारक हो लाला, ससुराल से मुन्नी आए हैं, अब जल्दी से मुन्ना भी आए, तुम जल्दी नाना बनो, हम दोबारा आए लाला। कुंदन बेटे, तुम यहाँ? होली की धूम बहुत हो चुकी लाला, अब दिवाली के पटाखे चलेंगे। ये पटाखे नहीं, ये तो बंदूक है। पर तुम बहुत चुप मौके पर आया है, मैं अपने बेटे को आज अपने हाथों से तिलक लगाऊंगा। अरे मुनी के बच्चे, तुम घोड़े को तिलक लगाओ, मैं अपने हाथों से अपने बेटे को तिलक लगाऊंगा। दूर रख इन पापी हाथों को, तेरे इन हाथों से मासूमों का खून टपक रहा है, और इस रंग में गरीबों की आहें शामिल है। लाला, तूने अब तक सारे गांव वालों को नचाया है, मगर आज मैं तुझे नचाऊंगा। ये कैसी बातें कर रहे हो बेटा, अपने चचा को इस उम्र में नचवाओगे? नहीं बेटे, मेरा दिल बहुत कमजोर है। अच्छा, तो तेरे सीने में दिल भी है? है, 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 देखो कितना जोर से धक्का कर रहा है। और सुनो सुनो। तो फिर तू और तेरा दिल आज दोनों साथ नाचेंगे। नाच लाला। मैं कैसे नहीं, मैं किधर में नाच लगाओ। होली है सूरत और दिल है तेरा काला, होली है सूरत।
के ताले टूट गए, हाय हाय के भाग मेरे फूट गए हो। सीधा सीधा बोल के इज्जत लूट गए, हाय हाय पटाखे छूट गए। हाय मेरी शक्कर, बातों से देता रहा चक्कर, देता रहा चक्कर, तू देता रहा चक्कर। लाला तेरी, लाला तेरी, लाला तेरी किस्मत पे आज पड़े पत्थर, आज पड़े पत्थर, ये मोटे मोटे पत्थर। भूल के ये शक्कर तू नाच जरा जम कर, भूल के ये शक्कर तू नाच जरा जम कर। हाय कैसे नाचूं, कैसे नाचूं, कैसे नाचूं, हाय कैसे नाचूं, कैसे नाचूं, आज के शक्कर लूट गए, हाय हाय के भाग मेरे फूट गए। सीधा सीधा बोल के छूट गए, हाय हाय पटाखे छूट गए। तेरे आगे कुछ है तेरे पीछे, मुँह कुछ है तेरे आगे। माल फोकट का, फोकट का, माल फोकट का तेरे हाथ नहीं लागे, हाथ कैसे लागे भला, हाथ कैसे लागे। नाचो मेरे यारों के सोए भाग जागे, नाचो मेरे यारों के सोए भाग जागे। कैसे नाचूं, कैसे नाचूं, कैसे नाचूं, हाय कैसे नाचूं, कैसे नाचूं, आज के बैलन छूट गए, हाय हाय के भाग मेरे टूट गए हो। आबिर ये रहे तुम्हारे बैल, बड़े होकर तुम खुद अपनी जमीन पे हल चलाना। रमजान, ये गांव वालों के जेवर गांव वालों में बांट दे। बेटे ये मेरे बही खाते हैं, इनमें सारे गांव के अंगूठे हैं, सब हिसाब गड़बड़ हो जाएगा, इधर का उधर, उधर का इधर हो जाएगा। बेटे साला, तेरे जिस विद्या को गांव वाले नहीं पढ़ पाए वो मैंने पढ़ ली है। तेरे इन बही खातों में गांव की जमीन और जायदाद ही नहीं बल्कि आने वाली नस्लों का मुकद्दर भी कायद है। आज होली की इस पवित्र आग में तेरे पाप के ये बही खाते हमेशा के लिए जलकर राख हो जाएंगे। जो जिंदा है उन्हें पेट भर रोटी मिलेगी और जो मर चुके हैं उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। मेरे खाते हैं लूट गया, मैं बर्बाद हो गया। लाला, जो कहानी तूने मेरे घर से शुरू की थी आज मैं उसे सारे गांव वालों के सामने खत्म करूंगा। चल लाला, अब गांव वालों के सामने बता, मेरे बापू ने जो जेवर तेरे पास गिरवी रखे थे वो असली थे या नकली?
असली थे या नकली। बोल लाला, असली थे या नकली? बिल्कुल बिल्कुल असली थे, गंगा की तरह पवित्र और हिमालय की तरह सच्चे थे। तो फिर पीतल के कैसे बन गए लाला? मैं पूछ रहा हूं, वो पीतल के कैसे बन गए लाला? बोल बोल कमीने, बोल बोल कुत्ते। कुंदन बोल। कुंदन मेरे पापा को छोड़ दो, कुंदन भगवान के लिए मेरे पापा को छोड़ दो। ये भी तुम्हारी माँ के गहने, ये असली है कुंदन, मेरे पापा को छोड़ दो। सुना गांव वालों, इस कुत्ते की करतूत मेरे पिता देवता समान थे, लेकिन इस कमीने ने उन्हें झूठा बना दिया, उन्हें बदनामी का कफन पहना दिया। लेकिन लाला, छोड़ूंगा तुझे तो मैं अब भी नहीं। चल लाला, आज के बाद इस गांव में तेरे हाथों कोई बच्चा यतीम नहीं होगा, ना किसी औरत का सुहाग लूटेगा और ना ही कोई बहन आत्महत्या करेगी। कुंदन नहीं, हट जाओ बरकत चाचा। नहीं, नहीं बेटे, अपना अगला कदम उठाने से पहले ये सोच ले कि तू एक फरिश्ता सिफत इंसान का बेटा है और उसी फरिश्ते के खून का जिम्मेदार ये शैतान है। चाचा, मेरे सीने में आग की जो भट्टी चल रही है, आज मैं इसके खून का कर दूंगा। तेरे बाप ने तेरी शादी मेरी बेटी के साथ करने से इनकार कर दिया था, तूने मुझे अटकड़िया लगा दी। मैं बदले की भावना में चल रहा था, मैं सिर्फ तुझे अपनी बेइज्जती का पता लेना चाहता था। मैं तुम्हारे बाप की बात नहीं चाहता था। निकला। अरे तेरे पास मास्टर दीनानाथ के जेवरात अभी तक गिरवी पड़े हैं ना? हाँ वो तो है। तो फिर सुन, वो जेवरात एक दिन के लिए तू मुझे दे दे, मैं बिल्कुल वैसे ही पीतल के बनवा कर तुझे वापस कर दूंगा। फिर तू सोने के जेवरात अपने पास रख लेना और पीतल के मास्टर जी को दे देना। फिर शादी के मंडप पर सारे गांव वालों के सामने मैं उसकी ईमानदारी पर ऐसा जूता मारूंगा, ऐसा जलील करूंगा कि अगर उसमें जरा भी हाया होगी तो मारे शर्म के वहीं मर जाएगा साला। गोपालदास कहाँ है? वो अब इस घर में नहीं रहता। तो कहाँ रहता है? वो तो मुझे पता नहीं, उसने अपने लड़के की शादी की, जहेज में लाखों रुपए लिए और ये बस्ती छोड़कर अचानक कहीं गायब हो गया। गोपालदास तू कहीं भी हो, मैं तुझे पाताल से भी ढूंढ निकालूंगा। हाय हाय डैड, कम पार्टनर। थैंक यू। वेलकम। बेटा नेट। यस डैड। मीट मिस्टर पैट। हाय पैट, नाइस मीट। हमारे पार्टनर अंडरवर्ल्ड और इंटरनेशनल मार्केट में अफीम और गांजा के किंग। इन्हीं के जहाज में हमारा माल जाता है और आगे भी जाता रहेगा। इट्स नेचुरल सर, आफ्टर ऑल वी आर ब्रदर्स।
ब्रदर, कम ऑन, मैंने तुम्हारे लिए क्या बंदोबस्त किया? इधर आ, मैं समझाता हूँ। आपने मुनि बुला दिया। अरे नागी, करोड़ों का सौदा है, बड़े बड़े लोग आए हैं, अगर तुझे इस हुलिये में उनके सामने पेश कर देता तो सब गड़बड़ हो जाता। और बापू, वो कैसे दूसरी लड़की के साथ खुलम खुला हाथ पकड़ कर नाच रहे थे? अरे बहू, आजकल के जमाने में बिजनेस में सब कुछ चलता है। कबूतर दिन भर कहीं भी उड़े, रात को तो आकर अपनी छतरी पर ही बैठता है ना। अरे बहू, जा उस कमरे में जा और अपने गांव के कपड़े बदल कर एक अच्छी सी साड़ी पहन ले। जा जा जा, जा। अबे कबू, अबे साले एक बात तो बता, ये आलीशान मकान और करोड़ों का माल तूने कहाँ से मारा? गोपू नहीं, सारंग बोल, सारंग। सारंग? हाँ सारंग, हाथों में ताकत हो और दिमाग सही काम करता हो तो सब कुछ हो जाता है। अबे नागी, तेरे लिए मैंने एक बहुत बढ़िया सूट बनवाया है। सूट? अरे बापू, तुम बेटी। अब तू हमारे घर की बहू लग रही है। देख बहू, अंदर के कमरे में वो कांच वाला मेज है ना, उसके ऊपर एक देवरात का बक्सा पड़ा है, उसमें तेरे लिए एक नौलखा हार है। नौलखा हार? और मैं गोपू? गोपू नहीं, सारंग, सारंग। अब ये बता, मैं कहीं तुमसे कम तो नहीं लग रहा? अरे नागी, अब तो मेरा मुनीम नहीं। अरे मुनीम तो मैं पहले भी कभी नहीं था। अरे समधी लग रहा है, समधी। जल समाधि दे दे लाला, फेंक दे इसे नदी में, तेरी लकड़ियों के पैसे भी बच जाएंगे और नदी के मछली और कछुओं का पेट भी भर जाएगा और इसका पुण्य भी मिलेगा तुझे। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आधी बातें, मैं तेरी जान ले लूंगा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लाला, जंगू, ले जाओ इस लड़की की लाश को और फेंक दो नदी में। अरे जालिमो, मेरी बेटी की लाश मुझे दे दो, मेरी बेटी की लाश मुझे दे दो। भीमा, हुकुम, बेटी के साथ साथ बाप को भी जल समाधि दे दे। गोपी अपनी बीती जिंदगी का कोई निशान नहीं छोड़ता। मेरी बेटी की लाश उठा ले, मेरी बेटी की लाश उठा ले दो। मर गया साला, इसकी लाश को भी नदी में फेंक दे। Thank you.
मगर हमें तो फूल वाली की खुशबू चाहिए रतन भाई, कीमत बोल। मेरे यहाँ लड़कियों का सौदा नहीं होता। बेटी ये तूने क्या किया? हाँ बाबू, तेरी जिंदगी बचाने के लिए मैं इस कोठे की आग से भी गुजर जाऊंगी। बाबू सर, भले ही ये लाश पुलिस को दरिया से मिली हो मगर इस लड़की की मौत जहर से हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि पहले लड़की को जहर दिया गया और फिर उसकी लाश नदी में फेंक दी गई। जी इट माइट बी अ केस ऑफ मर्डर। सर शनाख्त के लिए आसपास के गांव के लोग आ गए। भेज दो अंदर। आइए आप लोग। अलका बिटिया, हाय राम, ये हमारे लाला नागराज जी की बेटी है। इसे चांदी के मंत्र में नहीं पड़े थे। आप लोगों के पास कोई सबूत है? है सबूत, सबूत है। ये देखिए, ये लाला नागराज जी और ये रही उनकी बेटी अलका। अब आप ही देख लीजिए साहब, आप ही देख लीजिए साहब। लाला जी अपनी बेटी को ससुराल छोड़ने गए थे, राम जाने ये कैसे मर गई और लाला जी का आज तक कोई पता नहीं। ये आदमी कौन है? दूल्हा का बाप गोपाल दास जी। कहाँ रहता है? साहब पहले माधोपुर में रहते थे मगर अब पता नहीं कहाँ रहते हैं। ठीक है, आप लोग लाश को ले जा सकते हैं। कौन है आप? कस्टम ऑफिसर भवानी सिंह। ए साहब, एक मिनट साहब। गोपी, मेरी नजर तुम पर बहुत दिनों से थी, इस टिफिन में क्या है बताओ? कुछ नहीं साहब, रोटी है जो हमारे जीवन का आधार है। आधार है? छोड़ो, मुझे देखने दो। रोटी में हीरे? मगर गोपी, यू आर अंडर अरेस्ट। खून? इंस्पेक्टर संतोष। यस सर। आप बंबई पुलिस से गोपी नाम के खूनी मुजरिम की फाइल मंगवाइए जिसने एक कस्टम ऑफिसर का खून किया था। ओके सर। मिस्टर राव। सर आप पता लगवाइए कि ये करेक्टर कहाँ है, ढूंढिए इस लाला नागराज को। फाइंड हिम। राइट सर। जी ऐसा माल दे रहा हूँ कि जब भी आओगे ना तो यही कहोगे कि चंपा भाई चाहिए, चंपा भाई। नहीं नहीं, तुम मेरी बेटी को नहीं ले जा सकते। छोड़ दो, छोड़ दो, मेरी बेटी को छोड़ दो। आजा बेटी, आजा आजा, तुम मेरी बेटी को नहीं ले जा सकते। नहीं छोड़ नहीं लगो, ठंडा चौपट करता है। गोपाल दास कहाँ है लाला? साहब, साहब दस लेगा तुम्हें, साहब साहब दस लेगा, साहब साहब दबा डालेगा, साहब साहब। राम नाम धन्य। मेरी बेटी की लाश को लेकर बचाओ, 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 मेरी बेटी की लाश को लेकर बचाओ। ये आदमी तुम्हें कहाँ से मिला? साहब बसंती फूल वाले ने इसे दरिया से बचा कर लाया था और ये पागल हम सब के लिए मुसीबत बन चुका है। कर दिया है तो
तुमने जो यहाँ दहशत फैलाई है उसकी तारीफ करूं या तुम्हारी निशानी की? कोठे पर आने से पहले कोठे के आदाब और तरीके तो सीख लिए होते। लगता है खानदानी तवायफ हो। यहाँ आने से पहले लोग नजरें झुकाकर और चेहरा छुपाकर जरूर आते हैं, लेकिन यहाँ आते ही बेनकाब हो जाते हैं। हाँ, ये देखने के लिए कि एक देवी और वेश्या में फर्क क्या है। कुंदन, मत छू मुझे। प्यार के वो बोल जो मैंने अपनी आत्मा से लिखकर तुझे भेंट किए थे, आज तूने वेश्या बनकर भसारी आदमियों में लुटा दिए, वो भी चंद सिक्कों के खातिर। नहीं कुंदन, नहीं, मेरी आंखों में आंखें डालकर देख, प्यार का वो चिराग जो कभी तूने जलाया था आज भी रोशन है। झूठ बोलती है तू। तू पंडित द्वार का प्रसाद की बेटी नहीं रही जिसके भजन से मंदिर के दरवाजे खुल जाते थे, श्रद्धा से लोगों के सर झुक जाते थे, जिसे मैंने देवी समझकर पूजा था, और आज आज तू इस कोठे की वेश्या है जिस पर बाजारी आदमी नोटों की माला चलाता है और अपने मन की मुराद पा लेता है। कुंदन, डाकू बनकर साधु महात्मा की भाषा मत बोल। तू भी उस मास्टर दीनानाथ का बेटा नहीं रहा जिसने दुनिया को ज्ञान दिया, शिक्षा दी, रोशनी दी। आज उन्हीं का दिया हुआ कलम फेंककर तूने ये बंदूक उठा ली, प्यार के गीत लिखने के बजाय खूनी दास्तानें लिखनी शुरू कर दी। सुना, आज तुझ में और मुझ में फर्क सिर्फ इतना रह गया है कि तू दुनिया को बंदूक की गोली से लूटता है और मैं प्यार की बोली से। प्यार का ये तोहफा मैं हमेशा संभाल कर रखूंगी। और मैं तेरी बेवफाई को। अचानक तुम्हारे पिता को दौरा पड़ गया। इन्हें जिंदा रखने के लिए ऑपरेशन करके हमने एक फेफड़ा निकाल दिया। अरे वीरू, तू क्यों रो रहा है? उस्ताद, ये ससुरी सबको देखकर हंसती है, मुझे देखती है तो मुंह फेर लेती है। देखो, तू और मत पी क्योंकि तुझे चढ़ गई है। तुझे चढ़ गई है क्योंकि तेरी शक्ल मुझे धुंधली सी नजर आ रही है। और मत पी, तुझे चढ़ गई है। नशे में वो नहीं तू है। रमजान मेरे यार, दो घूंट पीकर तो देख दीवाना हो जाएगा। ना मुझे दीवाना होना है, ना मैं तुझे दीवाना बनने दूंगा। रमजान, कभी कभी इंसान को जीने के लिए, कभी सांस लेने के लिए पीना पड़ता है। बड़ी जबरदस्त बात है इंसान, बड़ी जबरदस्त बात है। अबे चुपे, अकल के कोलू, चिलगोजे के छिलके। रोना धोना छोड़, छोड़ दे, रोना धोना छोड़, छोड़ दे, हमसे नाता तोड़, तोड़ दे, रोना धोना छोड़, छोड़ दे, हाँ, हमसे नाता तोड़, तोड़ दे। उठा उठा जाम उठा, उठा उठा जाम उठा, मुझे लगा होश लुटा, मैं से नाता जोड़ दे, रोना धोना छोड़, छोड़ दे, मैं से नाता जोड़, जोड़ दे, हाँ, रोना धोना छोड़।
बेशिया और शराब से नफरत, बेशिया और शराब से नफरत, तू पिलाने की मांग लेती मत, तू पिलाने की मांग लेती मत। कौन मुझको खरीद सकता है, कौन मुझको खरीद सकता है, हो गया तू दीवाना लगता है, हो गया तू दीवाना लगता है, मेरी दीवानगी है आन मेरी, मेरी दीवानगी है आन मेरी, चाहे लुट जाए इस पे जान मेरी, चाहे लुट जाए इस पे जान मेरी। जान देना तू सीख ले मुझसे, जान देना तू सीख ले मुझसे, इसमें आगे हूँ आज भी तुझसे, इसमें आगे हूँ आज भी तुझसे। तू चलाता है मौत की गोली, तू चलाता है मौत की गोली, जहर है तेरे प्यार की बोली, जहर है तेरे प्यार की बोली। काश तू दिल में झांक कर देखे, काश तू दिल में झांक कर देखे, तूने कितनों पे डाल ये फेंके, तूने कितनों पे डाल ये फेंके, तूने अब तक मुझे नहीं जाना, तूने अब तक मुझे नहीं जाना, मेरे दिल को न तूने पहचाना, मेरे दिल को न तूने पहचाना। देख आया हूँ मैं दुकान तेरी, देख आया हूँ मैं दुकान तेरी, तन के बाजार में है शान तेरी, तन के बाजार में है शान तेरी, मुझको पीने से रोकने वाली कितनी बेशर्म है जबान तेरी, कितनी बेशर्म है जबान तेरी। नशा तोड़ दिया, दो कौड़ी की तबाह कुंदन के कोठे पर आई है, माल चाहिए ना तुझे, हाँ ये ले, ये ले, ये ले। अरे रमजान में इतनी ईमान की ताकत है कि वो दोस्त के नाम पर जिंदगी भर तमाचे खा सकता है, अपने खून का आखिरी कतरा तक बहा सकता है, निकाल ले अपने गुस्से की भड़ास, मार मुझे। अरे देख क्या रहा है मेरे यार, मारता क्यों नहीं? अरे मार मुझे। मैं कितना नीच हूं रमजान, मैं अपने हाथों को काट डालूंगा। कसूर इन हाथों का नहीं, कसूर उस कमबख्त शराब का है। नहीं रमजान, नहीं, ये उस शराब का नहीं, ये उस कमीनी औरत का जादू है जो मेरे सर चढ़ के बोल रहा है। अरे समझने की कोशिश कर मेरे भाई, उस बेचारी की कोई जरूर मजबूरी हो। अगर मजबूरी थी तो जान क्यों नहीं दे दी, उस गंदी जिंदगी से तो मौत कहीं बेहतर थी। रमजान, एक बार जिसे कोटे की हवा लग जाए ना, उसका इज्जत की हवा में दम घुटने लगता है। बड़ी कमजात है ये औरत, बड़े बड़े महारिषियों की तपस्या भंग कर देती औरत, दुनिया के हर झगड़े फसाद बुराई की जड़ है ये औरत। औरत होश में आ कुंदन, जबान को लगाम दे, अल्लाह ताला की बेहतरीन मखलूक औरत को बदजात कमजात औरत जात कहता है? अरे बड़े बड़े पैगंबरों अवतारों और पीरों को जन्म देने वाली औरत है, जिस देवी माँ की तो दिन रात पूजा करता है वो भी एक औरत है। अरे जिसके लिए तू रोता है आंसू बहाता है वो माँ, जिसने तुझे जन्म दिया वो भी एक औरत है। हाँ मेरे भाई औरत है। माँ
काम के वक्त में पानी पीता है? भाई बाप, भाई बाप, प्यास बड़े जोर की लगी थी। रामजादे मौजूरी करता है। साहब, मुरारी तो मर गया। चंगा हुकुम, काम खत्म होने के बाद इसकी लाश को जलवा देना। जो सेठ जी, मरने वाले को कफन भी दिया जाता है। ठीक है, इन पैसों से इसके लिए कफन खरीद लेना। कफन देकर लाश खरीदने वाले सेठ, ये सौदा इतना आसान नहीं है। तो कहना क्या चाहती है औरत? मुरारी के बीवी और उसके बच्चों की पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी। हमारे यहाँ ऐसा कोई कानून नहीं है। इस देश में कानून सरकार का चलता है। चुप! मैं किसी कानून वालों को नहीं मानता। तुम सब लोग अपने अपने काम पर जाओ। ठहरो, मुरारी भी तुम्ही में से एक था। कल फिर किसी की औरत बेवा होगी, कल फिर किसी का बच्चा यतीम होगा, कल फिर किसी का घर बर्बाद होगा। कब तक इन लाशों से मुंह फेर कर जाते रहोगे? हम काम नहीं करेंगे, हम काम नहीं करेंगे। क्या की वजह से हमारा काम रुक गया? डैड। यस डैड। मजदूरों से बस्ती खाली करवा लो और उस बुढ़िया को ठिकाने लगा दो। अरे यहां शोर मचाओगे तो वहां की आग बुझ जाएगी। अरे रिपोर्ट लिखवाओ, सीढ़ी बम्बा बुलवाओ। अरे साहब, देर हो जाएगी तो अंधेर हो जाएगा। वो बदमाश बस्ती जलाकर राख कर देंगे, उन्हें जल्दी जाकर गिरफ्तार कर लेंगे। ऐसा कैसे गिरफ्तार कर ले? पाप का राज है क्या? हमारे डिपार्टमेंट में सारा काम कायदे कानून से होता है। क्या कायदा कानून? अब आराम से बैठ के दिगंबर को अपनी रिपोर्ट लिखवाओ। जाओ जी। तुम्हारा नाम? जी रामलाल। आपका नाम? श्यामलाल। बस्ती में कब से रहते हो? अरे साहेब, बाप दादा के जमाने से रहते आ रहे हैं, मगर हम लोग ये बस्ती नहीं छोड़ेंगे। नहीं छोड़ेंगे। अम्मा जी, ये आवाजें यहीं रहने दीजिए, बस 15 मिनट और ठहर जाइए, तब तक सारा काम तमाम हो जाएगा। रतन भाई, अगर तुम न मिली होती तो शायद मैं अस्पताल से जिंदा वापस ना आ पाता। दीदी, तुम्हारे ये उपकार मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। फेंक दे बुढ़िया को नीचे। बेटी देख तो वहां कौन किसको फेंक रहा है। हाय 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 हाय, कोठे की बहार वीराने में कब से डूबे हैं तेरे प्यार के पैमाने में। जनमन, आज तेरे होंठ और मेरी प्यास के दरमियान कोई नहीं होगा। छोड़ दे मुझे कमीने। छोड़ दे मेरे बच्चे को। छोड़ दे मुझे। छोड़ दे मुझे। मकर सी, बाबा कुंदन बेटे तू। बाबा अच्छा होगा बेटा तू मिल गया। अभी अभी अफ्रीका के सेठ का वो बदमाश छोकरा सोना को उठाकर ले गया। आप नहीं जानते बाबा, सोना एक तबाह बन चुकी है, कोठे पर नाचती है। उसे बदमाश नहीं उठाकर ले जाएंगे तो कौन ले जाएगा? ये सच नहीं है बेटे, ये सच नहीं है। तो फिर जो कुछ मैंने अपनी आंखों से कोठे पर देखा वो झूठ था, सपना था। काश तूने सोना पे इल्जाम लगाने से पहले हकीकत जान ली होती, उसके दिल का दर्द पहचान लिया होता।
तो फिर सच्चाई क्या है? सच्चाई तेरे सामने है बेटे, जिंदगी के रूप में एक फेफड़े पर खड़ी हुई जिंदा लाश। सोना ने मुझे ही बचाने के लिए पैरों में घुंघरू बांधे। अगर एक बूढ़े बाप को बचाना तेरी नजरों में गुनाह है, पाप है, तो अपनी बेटी की जिंदगी की भीख मैं तुझसे नहीं मांगूंगा। बाबा मुझे माफ कर दो बाबा, कुंदन के होते हुए सोना की इज्जत पर आंच नहीं आएगी बाबा, आंच नहीं आएगी। सोना भाई, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा मेरी जान। डाकू कुंदन सिंह, रुक जा सोना। एक कोठे वाली से मिलकर क्या करेगा? नहीं सोना, तेरे बापू ने मुझे सब कुछ बता दिया है, मुझे माफ कर दे। कुंदन भैया, कुंदन भैया, इन अफ्रीका के सटों ने हमारी बस्ती जला दी। हमने पुलिस में रिपोर्ट भी लिखवाई, फिर भी हम लोग बर्बादी से नहीं बच सके। कुंदन भैया लूट गए, बर्बाद हो गए। हमारी मदद करो कुंदन भैया, आप ही बताइए अब हम लोग सब कहाँ जाएंगे? इन गरीब बस्ती वालों को इनका हक दिलाकर अपना धर्म पूरा कर कुंदन। जा कुंदन, जा। आओ मेरे साथ। चलो भाई, चलो 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 चलो। ये सब क्या है? ये वो जहर है जिसे देश के मासूम बच्चे और नौजवान इस्तेमाल करके तबाह हो रहे, बिना मौत मर रहे हैं। अंग्रेजी में इसे ब्राउन शुगर कहते हैं। आज पता चला कि अफ्रीका के सेठ का असली धंधा क्या है। लेकिन कुंदन, ये ऐसी गंदी चीज है, ना इसे ले जा सकते हैं और ना छोड़कर जा सकते हैं। लेकिन इसे जला तो सकते हैं। हाँ। लगा ये सब क्या है? क्या हो गया साहब? डाकू कुंदन सिंह ने यहाँ आकर ये आग लगाई है और हमारा सारा गोदाम लूट लिया। सब बर्बाद हो गया शर्मा जी, आप नहीं जानते हमारा कितना बड़ा नुकसान हो गया है। ये वही माल है जिसे आप चौकी पार करवाने वाले थे, हमारा करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। ये डाकू कुंदन सिंह हमें कंगाल बनाकर चला गया। मैं बर्बाद हो गया, मैं लुट गया शर्मा जी, मैं लुट गया। डैड, कुंदन कोई दूसरा नहीं, जसवंत भैया का कातिल मास्टर दीनानाथ का बेटा, मुझे भी मारने के लिए आया था। बापू, बापू, कुंदन ने मुझे बचा लिया बापू, उसकी गलत फहमी दूर हो गई, अब वो मुझसे बिल्कुल नाराज नहीं। बापू, हे भगवान, तूने मुझसे मेरा बापू छीन लिया, मुझे बेसहारा कर दिया, ये तेरा कैसा न्याय है भगवान? दादा चाची सोना, मेरी बच्ची, मत रो बेटी, मत रो। इस संसार से एक दिन सभी को जाना है बेटी,
जालिमों ने मेरी भी जान लेनी चाहिए थी, मगर भगवान ने बचा लिया। शायद तेरे लिए बच्ची। भाभी। हाय साहब, आप। भाभी, अगर तुमने मुझे सचमुच अपना भाई समझा होता ना, तो मेरे दोस्त दीनू के मौत के बाद तुम इस तरह सड़कों पर पागलों की तरह भटकने से पहले मेरे घर को अपना घर समझ लेते हैं भाभी। क्या हाल बना रखा है तुमने अपना, क्या हाल बना रखा। भाई साहब, मैं उस बेटे की बदनसीब माँ हूँ जिसने आपके कानून को अपने हाथ में ले रखा है, और मैं ये नहीं चाहती कि एक माँ की ममता आपके फर्ज के रास्ते में आए। सोना बेटे, पंडित द्वारका प्रसाद जी। मैं नाथ होगी चाचा जान, मैं नाथ होगी। नहीं बेटी, नहीं, तू अनाथ होकर भी तू अनाथ नहीं है। इंस्पेक्टर श्याम। यस सर। द्वारका प्रसाद जी के अंतिम संस्कार का इंतजाम किया जाए। सर। आओ भाभी, आओ। सुरैया, सुरैया बेटी, देखो बेटी कौन आया है। सुरैया, मेरी बच्ची, मेरी बेटी। चाची जान, मैंने हर नमाज में आपकी और कुंदन भाई की सलामती की दुआएं मांगी। मेरी बच्ची। बेटी, आज तुम्हारी दुआएं कबूल हो गई। साहब, खबर आई है डीआईजी साहब की लड़की की शादी में डाकू कुंदन से आने वाला है। क्या? ठीक है, तुम जा सकते हो। अच्छा साहब, डाकू कुंदन सिंह शादी में आने वाला है। अब क्या होगा डैड? शर्मा, अगर तुम कुंदन सिंह को खत्म कर दो तो मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। सारंग साहब, कुंदन सिंह शादी में आकर जिंदा वापस नहीं जाएगा। मुबारक हो सुरैया, मुबारक हो। अरे दुल्हन को तो मुबारकबाद दे दी, अब जरा चल के दूल्हे राजा को भी मुबारकबाद दे दे। कैसे? फूलों से या जूतों से? नाराज मत हो, फूलों से देंगे। मुबारक हो सुरैया। भाईजान, भाईजान आप यहाँ? बहन की शादी में भाई कैसे ना आता। ये लो। ये क्या है? ये शांति के जेवर हैं, जिसे सुहाग के जोड़े में तो जरूर देखा था, मगर उसी जोड़े के साथ उसकी चिता को आग भी लगाई थी इस वक्त से भाई ने। आज से ये जेवर तुम पहनना सुरैया। भगवान तुम्हारा सुहाग सलामत रखे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज भाईजान। भागने की कोशिश मत करो कुंदन। नहीं। हट जाओ सुरैया, ये तुम क्या कर रही हो? जो एक बहन को करना चाहिए। मगर कुंदन सिंह एक डाकू है। यहाँ वो एक बहन का भाई है। भाई? कुंदन भैया को मारकर जो सोने का तमगा तुम हासिल करना चाहते हो वो मिलेगा जरूर, मगर मेरे खून में डूबा हुआ होगा। तुम्हें
मैं किसकी आवाज समझूं, एक पुलिस ऑफिसर की या मेरे बाप के दोस्त की? दोनों की। तुमने सुरैया को क्या दिया? अपने अरमान, एक भाई का फर्ज, जो ये बदनसीब भाई अपनी पहली बहन को नहीं दे सका था। और अपने चाचा का हक देना भूल गए? अब क्या चाहते हैं? मैं बेटे, मैं अपने मरहूम दोस्त मास्टर दीननाथ को तुम में जिंदा देखना चाहता हूं। मतलब? तुम ये बंदूक फेंक दो, अपने हाथ में कलम ले लो बेटा। जो कलम आप मुझे देना चाहते हैं वो मेरी बहन और मेरे बाप की मौत की कहानी लिख चुका है, और उनके कातिल जिंदा घूम रहे हैं जिनके मुझे तलाश है। कुंदन बेटे, अपने दिल से बदले की भावना निकाल दो। बिजली की चमक से बुझे हुए दिए नहीं जलते बेटे। दिया जी साहब, कुंदन की जिंदगी में सैलाब आ चुका है, तूफान आ चुका है, और अब यह बंदूक उसकी जिंदगी है, उसकी आत्मा है। नहीं कुंदन, नहीं। कानून की जड़ें इतनी मजबूत हैं कि तेरी जिंदगी का सैलाब ना उसे बहा सकता है, ना उसे हिला सकता है। इसलिए मैं कहता हूं, तुम अपने आप कानून के हवाले कर दो। जय दाता। सारंग साहब, कुंदन सिंह साहब फिर हाथ से निकल गया, और जाते जाते इंस्पेक्टर शर्मा का खून कर गया। क्या बात कर रहे हैं सारंग साहब, शर्मा तो अभी जिंदा है, वन पीस। जिंदा था मगर अब नहीं। बेटा नेट। ये क्या किया आपने डैड? डीआईजी के सामने डाकू कुंदन सिंह का पीछा इंस्पेक्टर शर्मा ने किया। हाँ। इसलिए इंस्पेक्टर शर्मा का खून हमने नहीं, डाकू कुंदन सिंह ने किया। इंस्पेक्टर शर्मा, कुंदन सिंह ने इंस्पेक्टर शर्मा का खून करके उसकी लाश को पुलिस स्टेशन के बाहर फेंक दिया है। ये रहा उसका खत। इंस्पेक्टर राव, तुमने अगर हमारा पीछा करने की कोशिश की तो तुम्हारा भी वही अंजाम होगा जो इंस्पेक्टर शर्मा का हुआ। कुंदन सिंह। सर, मुझे कुंदन सिंह के अड्डे का पता चल चुका है, मैं पूरी पुलिस फोर्स के साथ उस पर हमला करने के लिए जा रहा हूँ। कुंदन भाई अपने खानदान के आखिरी चिराग हैं, उन्हें जिंदा ही गिरफ्तार कीजिएगा। सुरैया, पुलिस कभी किसी की जिंदगी नहीं लिया करती। मुकाबले में जब गोलियां चलेंगी तो उसमें कुंदन सिंह की मौत भी हो सकती है और तुम्हारा सुहाग भी उजड़ सकता है। इंस्पेक्टर राव, यू कैन गो एंड परफॉर्म योर ड्यूटी। सर। अरे भाई कुंदन, ये सब क्या हो रहा है? आज आखिरी रोजा है, हम लोगों ने साथ रखा है। अरे भाई ये तो कमाल हो गया है। इसमें कमाल की क्या बात है भाई, दिवाली के दिए साथ जलाते हैं, पटाखे साथ फोड़ते हैं, तो पहली जनवरी को नया साल साथ मनाते हैं, तो फिर रोजा क्यों नहीं रख सकते? अगर हम लोगों की दोस्ती और प्यार सारे हिंदुस्तान में फैल जाए तो ये मुल्क
सारी दुनिया के लिए एक मिसाल बन जाए। हाँ भाइयों, रोजा खोलते हैं। बिस्मिल्लाह। कुंदन, मेरे बच्चे। देखा कुंदन, माँ है रमजान की बरकत, सवाब की शक्ल में तुझे माँ मिल गई। तू सच कह रहा है रमजान। कुंदन अकेला मेरा बेटा नहीं है, तुम सब मेरे बेटे हो, और मैं अपने हर बेटे से एक ही चीज मांगने आई हूँ। माँ, तुम हुक्म दो, हम सब अपनी जान दे देंगे। हाँ, हम सब अपनी जान दे देंगे। मैं जिंदगी लेने नहीं, देने आई हूँ। तुम सब अपने आप को कानून के हवाले कर दो। माँ, हमने जुल्म के खिलाफ हथियार उठाए हैं, और तुम चाहते हो हम उसे फेंक दें? बादल का एक टुकड़ा सारी धरती की प्यास नहीं बुझा सकता बेटे। मगर बादल का एक टुकड़ा सूरज की रोशनी को छीन सकता है। कितनी देर के लिए? कभी तूने मेरी तरफ भी देखा है कुंदन? गोद मेरी उजड़ी, सुहाग मेरा लूटा, घर मेरा छूटा, और मेरी जिंदगी की आखिरी पूंजी एक बेटा, न वो माँ को मिलने आ सकता है, न माँ जा सकती है। इतनी सारी सजाएं एक साथ, इसलिए मेरा कसूर क्या है? ये बता दे। बस कर माँ, बस कर। कुंदन, माँ के पैरों के नीचे जन्नत होती है। आज ये मुकद्दस पैर खुद तेरे पास चलकर आए हैं। माँ का हुक्म खुदा के हुक्म के बराबर होता है दोस्त। रमजान, तुझे मालूम है माँ क्या मांग रही है? माँ के शब्दों की कीमत कुछ नहीं है तो इनकार कर दे। मैं समझ लूंगी कि दुश्मनी की आग में तूने माँ की ममता को जला डाला। माँ, क्या सोच रहे हैं मेरे यार? आज तक मैं तेरे कदमों के निशान पर चला हूं, मगर कुंदन, आज तुझे मेरे पीछे आना होगा। माँ की बात माननी होगी। सबसे पहले बंदूक मैं रखता हूं। कुंदन, तू भी माँ के चरणों में बंदूक रख दे, वरना याद रख, कोई माँ किसी बेटे को जन्म देकर खुश नहीं होगी। नहीं बेटी, नहीं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस भगवान से इतनी प्रार्थना है कि कुंदन को इतनी जिंदगी दे कि मेरे मरने के बाद मेरी चिता गुहाग दे सके। कोई भी जिंदा बचकर जाने ना पाए, खत्म कर दो सबको। मास्टर के बेटे को जिंदगी की आखिरी गिनती गिना दो। मारो नटवर बेटे, मारो। मेरे बेटे, देख लिया मां, जुल्म के अंधेरे सच्चाई की रोशनी को छीनने आ गए, मगर नेकी और बदी की जंग हमेशा जारी रहेगी। माँ, हमेशा जारी रहेगी। कुंदन, तू माँ को लेकर चला जा। माँ,
मास्टर के बेटे ने तेरे भाई को शादी के दिन स्कूटर पर बिठाकर मारा था बेटा नेट। हाँ डैड, आज मैं इसे ऐसी मौत मारूंगा कि इसकी अर्थी उठाने के लिए गांव में कोई बैलगाड़ी भी नहीं मिलेगी। बेटा नेट। यस डैड। कुंदन सिंह इज डेड। हमारा दुश्मन डाकू कुंदन सिंह हमेशा में जगले खत्म हो गया डैड। अब तुम्हारी शादी राजा सूरज सिंह की बेटी से होगी और उसकी करोड़ों की जायदाद हमारे कदमों में होगी। कम ऑन, हरी अप, जल्दी। डैड, पुलिस। छोड़ना मत, छोड़ना मत कुंदन। नहीं, इस हालत में मैं तुझे छोड़कर जा नहीं सकता। कुंदन, कुंदन ये मत भूल, तूने समाज को ठुकराया है, कानून से बगावत की है तूने, माँ की ममता और अपनी मोहब्बत का गला घोटा है तूने, किसलिए बोल, किसलिए? बदला लेने के लिए। उसी बदले को पूरा करने के लिए तुझे जिंदा रहना होगा मेरे यार, तुझे जिंदा रहना होगा मेरे यार। लेकिन बरकत चाचा को मैं क्या जवाब दूंगा रमजान? कुंदन, सच्चाई के लिए तेरा उठा हुआ कदम और तेरा इंतकाम अगर पूरा ना हुआ तो दुनिया तुझ पर हंसेगी और मेरी रूह भटकती रहेगी, बेचैन रहेगी। रमजान, तुझा चाह मेरे यार, तुझे मेरी दोस्ती की कसम, मेरे इस खून की कसम। तुझे मुझे शक्ति देनी होगी माँ, मुझे जिंदगी देनी होगी। अगर मैं मर गया और जालिमों की जीत हुई तो इस संसार में कोई बेटा तुझे माँ कहकर नहीं पुकारेगा। माँ, माँ कहकर नहीं पुकारेगा। और तेरी कीमत पत्थर की एक बेजान मूर्ति के सिवा कुछ नहीं होगी माँ, कुछ नहीं होगी, कुछ। कुंदन, इसमें औरत की शक्ति, माँ की भक्ति और दाता का आशीर्वाद शामिल है। ले। हनीमून अफ्रीका के जंगल में मनाएगी या हिंदुस्तान के ताजमहल में?
आज डटवर आधार खींची जान जीते हो बेटी, क्या बात है भाई? न दियाजी साहब नजर आ रहे हैं और न रऊफ मियां जी। वो किसी जरूरी काम में फंस गए होंगे, मगर आएंगे जरूर। हाँ आएंगे, ये पुलिस की नौकरी ऐसी होती है। डाटा साहब बारात आ गई। अच्छा तुम चलो। तो अब हमारी बेटी रानी हमें छोड़कर चली जाएगी। कितना हो बेटी? हुजूर बारात आ गई। शहर में शरीफों के साथ ये सलूक, अरे फिर गोली आएगी। जय दाता। बेटा लटवार जरा बच के बेटा। कुंदन, मुझे मेरी बेटी की शादी में खून खराबा नहीं चाहिए। बोल तुझे क्या चाहिए, कितनी दौलत चाहिए बोल। मत भूल कि तू एक शरीफ मास्टर का बेटा है। मैं आपको लूटने नहीं राजा साहब, बचाने आया हूं। आप नहीं जानते ये बाप बेटे दोनों बहर रुपये हैं, खूनी हैं, और आज मैं इन दोनों को छोड़ूंगा नहीं। हट! कुंदन भाईजान, देखो कुंदन, भागता कहाँ है कुत्ते? आज भरी सभा में ये शादी के फूल तेरी चिता पर जलेंगे। नहीं कुंदन नहीं। थैंक यू डीआईजी साहब। मैं तुम्हें कानून को अपने हाथ में नहीं लेने दूंगा। छोड़ दीजिए डीआईजी साहब, मैं इस खूनी की तलाश में जंगलों में भटकता रहा, पत्थरों से टकराता रहा, तब कहीं जाकर ये मुझे मिला। आप नहीं जानते ये कौन है। मैं इसकी जिंदगी की किताब का एक एक हर्फ पढ़ चुका हूं। ये गोपी है, डॉकयार्ड में मजदूरी करता था, एक कस्टम ऑफिसर का खून करके भागा हुआ मुजरिम, फिर नाम बदलकर गोपाल दास बनकर इसने पन्ना सेठ और धनी राम का कत्ल किया। इसे पहचानते हो? पहचानते हो इसे? और डीआईजी साहब, इस कमीने ने अपने बेटे नटवर की शादी मेरी बेटी से कराई। मुझसे 5 लाख नकद और लाखों को जहेज लिया, और फिर मेरी मासूम बेटी को नाक से निचवाकर उसकी लाश को नदी में फेंक दिया। और आज ये कुत्ता अपने पिल्ले की शादी राजा साहब की बेटी से करवा के उनकी तमाम दौलत पर कब्जा करना चाहता था। छोड़ दो मेरे बाप को। कम ऑन डैड। कम ऑन सुरिया। देखा, किसी ने कोई हरकत की तो डीआईजी साहब की इकलौती बेटी की खोपड़ी उड़ा दूंगा सबके सामने। बिशक शाबाश बेटा नेट। कम ऑन डैड। जान, आप मेरी जान की परवाह मत कीजिएगा, ये दोनों खूनी हैं, इन्हें गिरफ्तार कीजिएगा। शूट देम।
किसी ने भी बंदूक चलाई तो मैं डीआईजी साहब की जान ले लूंगा। जान बचाई। हाँ इंस्पेक्टर, तुम मेरी बहन के सुहाग हो। जब तक मेरा बाप मुझे नहीं मिलता मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। डैड, साहब वो देखिए। बेटा नेट। यस डैड। कंडीशन इज वेरी बैड।
ब्रेसलेट ले ले, पूरे 50 लाख का। मेरे बाप के कलम की कीमत इससे भी कहीं ज्यादा थी। मुझे माफ कर दो। तुम लोगों की वजह से मेरी फूल जैसी बहन ने आत्महत्या की। तूने मेरे भाई जैसे दोस्त रमजान का खून किया कुत्ते। कुंदन, तूने मेरे नटवर को भी मार डाला। मुझे जाने दे, मैं ये देश छोड़कर ही चला जाऊंगा। दाता ने तुझे इस धरती पर जन्म दिया, इस धरती पर तूने बड़े पाप किए, सजा भी तुझे यही मिलेगी। यही दाता की आवाज है। जिसमें हिम्मत है वो मौसम के सितम सहता है, पत्ते गिरते हैं मगर पेड़ खड़ा रहता है। पियाजी साहब, मैं अपने आप को कानून के हवाले करता हूं। जी शेर अली खान ने कानून का फर्ज पूरा किया। अब मैं अपने मरहूम दोस्त मास्टर दीननाथ के इकलौते बेटे को एक छोटा सा तोहफा देना चाहता हूं। ये कलम। हम बंदा